मॉर्निंग एवरीवन, इस वीडियो में हम आप लोगों को चैप्टर 8 चैप्टर इन एक्सरसाइज सेक्शन बी के बारे में पढ़ाने वाले हैं। टाइप 1 शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो फर्स्ट नंबर, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ, तो फर्स्ट का फर्स्ट नंबर देखिए 31.005। तो देखिए सॉल्यूशन 31.005 को हम लोगों को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो 3 × 10 + 1 × 1 + 5/1000 हो जाएगा। सेकेंड नंबर देखिए r 12.1 and 12.10 लाइक डेसिमल्स, तो सॉल्यूशन नो, क्योंकि लाइक डेसिमल होने के लिए क्या होना चाहिए, डेसिमल के बाद सेम डिजिट होना चाहिए, तो लाइक डेसिमल होता है। तो देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो सेम डिजिट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, लाइक डेसिमल नहीं होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। अरेंज द फ्लोइंग डेसिमल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए 3.35, 2.59, 28.1, 6.0, 6.7, 3.5। तो देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो हम लोग जानते हैं कि सबसे, देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग क्या करते हैं, सबसे ग्रेटर वैल्यू को पहले लिखते हैं, उससे छोटे वाले वैल्यू को उसके बाद, उससे छोटे वाले वैल्यू को उसके बाद, और सबसे छोटे वाले वैल्यू को सबसे लास्ट में लिखते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो 28.1 उसके बाद हो जाएगा 6.7 उसके बाद हो जाएगा 6.0 उसके बाद हो जाएगा 3.5 उसके बाद हो जाएगा 3.35 उसके बाद हो जाएगा 2.59। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। अरेंज द फ्लोइंग डेसिमल इन असेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए 3.1001, 3.1, 3.01, 3.01, 3.01, 3.01, 3.01, 0.01, 3.12। तो देखिए हम लोग को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, सबसे छोटा मतलब सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को पहले, उससे ग्रेटेस्ट वैल्यू को उसके बाद, उससे ग्रेटेस्ट वैल्यू को उसके बाद, और सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू को सबसे लास्ट में लिखते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन असेंडिंग ऑर्डर, तो 3.001 उससे ग्रेटर वैल्यू है 3.01 उससे ग्रेटर वैल्यू है 3.01 उससे ग्रेटर वैल्यू है 3.1 उससे ग्रेटर वैल्यू है 3.1001 उससे ग्रेटर वैल्यू है 3.11 और सबसे ग्रेटर वैल्यू है 3.12। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट नंबर 7 − 0.3 + 2.5 − 0.03। तो सॉल्यूशन 7 − 0.3 + 2.5 − 0.03। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ऐड वाले को ऐड के साथ कर देंगे और सब्ट्रैक्ट वाले को सब्ट्रैक्ट के साथ कर लेंगे। तो 7 + 2.5 − 0.3 − 0.03। तो देखिए 7 को हम लोग 2.5 में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 9.5 − 0.3 − 0.03। अब हम लोग क्या करेंगे कि 9.5 में से 0.3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9.2 हो जाएगा और −0.03। अब क्या करेंगे कि लाइक डेसिमल में कर देंगे तो 9.20 लिख सकते हैं और −0.03। तो देखिए 0 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नहीं होगा, तो कैरी देगा तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 3 जाएगा तो 7 हो जाएगा, ये कैरी दे दिया है तो 2 था तो अब 1 हो गया, कैरी 1 दे दिया तो 1 हो गया, तो 1 में 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 हो जाएगा और 9 का 9 भी आ जाएगा। तो 9.17 जो है क्वेश्चन नंबर 5 का 1 नंबर का आंसर हो जाएगा। अब चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एंड एंट वेंट होल मीटर 26 cm ऑफ ए ट्री, देन इट केम 2 m 30 cm डाउन, हाउ हाई इज इट्स नाउ फ्रॉम द ग्राउंड। तो देखिए सॉल्यूशन, द टोटल हाई
इज इट्स नाउ फ्रॉम द ग्राउंड, तो क्या करेंगे 4 मीटर 26 सेंटीमीटर में से माइनस करेंगे 2 मीटर 30 सेंटीमीटर को। तो देखिए 6 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 में से 3 नहीं जाएगा तो कैरी लेगा, तो 12 में से 3 जाएगा तो 9 हो जाएगा। ये 1 कैरी दे दिया है तो 3 हो गया, 3 में से 2 जाएगा तो 1, तो 1 मीटर 96 सेंटीमीटर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा। एक नंबर क्वेश्चन को देखिए, फाइंड द सम ऑफ 7 मीटर 4 सेंटीमीटर एंड 94 mm इज। तो फर्स्ट जो है मीटर्स में हम लोग को बदलना है, सेकेंड में जो है मिलीमीटर्स में भी बदलना है। तो देखिए फर्स्ट नंबर 7 मीटर 4 सेंटीमीटर एंड 94 mm। तो देखिए सॉल्यूशन, 7 मीटर तो मीटर में है ही, तो हम लोग क्या करेंगे कि सेंटीमीटर वाला जो है 4 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, तो प्लस 4 बाई 100 मीटर में हो जाएगा, प्लस उसके बाद 94 mm है उसको मीटर में बदलेंगे तो 94 बाई 1000 मीटर हो जाएगा। तो चलिए 7 मीटर प्लस, अब देखिए 4 को हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.04 मीटर प्लस 0.094 मीटर। तो देखिए इसको ऐड करेंगे तो 7.134 मीटर हो जाएगा। देखिए 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है 1 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर होता है, और 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू क्या होता है 1 मीटर होता है। तो इसको देखिए 1 मीटर में हो जाता है तो 1 mm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 mm जो है वो 1/1000 मीटर के इक्वल होता है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो देखिए 7 मीटर 4 सेंटीमीटर एंड 94 mm को हम लोग को मिलीमीटर्स में लिखना है। तो सॉल्यूशन 7, देखिए 7 मीटर है तो देखिए हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर में कितना होता है 1000 मिलीमीटर होता है। तो देखिए 7 मीटर है तो 7 इंटू 1000 मिलीमीटर, ठीक है, प्लस हम लोग जानते हैं कि देखिए 1, देखिए क्या होता है कि 10 mm इज इक्वल टू क्या होता है 1 cm होता है, ठीक है, तो 4 हम लोग का क्या है cm है, तो 4 इंटू 10 mm हो जाएगा, ठीक है, मतलब 4 इंटू 10 mm मिलीमीटर, ठीक है, प्लस अब 94 mm है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 7 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7000 मिलीमीटर हो जाएगा, प्लस 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 mm हो जाएगा, अब प्लस 94 mm है तो सबको ऐड करेंगे तो 7134 mm हो जाएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो रवि बॉट सम मेडिसिन फॉर आर रुपीज, ठीक है, 495.75 एंड गिव द केमिस्ट ए 1000 रुपीज नोट, ठीक है, तो व्हाट अमाउंट डिड द केमिस्ट रिटर्न। तो देखिए सॉल्यूशन, द टोटल अमाउंट डिड द केमिस्ट रिटर्न इज इक्वल टू रुपीज 1000 माइनस रुपीज 495.75 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 1000 में से 495.75 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए पहले तो हम लोग लाइक डेसिमल में कर देंगे, तो डेसिमल के बाद 0000 में लगा देंगे। तो देखिए 0 में से 5 नहीं जाएगा तो कैरी लेगा, तो 10 हो जाएगा, तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 हो जाएगा, ये 9 हो जाता है, बाकी का 0 9 हो जाता है, तो 9 में से 7 जाएगा तो 2 हो जाएगा, अब देखिए 9 में से 5 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 9 में से 9 जाएगा तो 0 हो जाएगा, और ये देखिए कैरी ले लिया तो ये 9 हो गया, तो 9 में से 4 जाएगा तो 5 हो जाएगा। इसका मतलब रुपीज 1000 में से रुपीज 495.75 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रुपीज 504.25 रुपीज आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा रुपीज 504.25।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। राकेश वांट्स टू बाय ए बुक वर्थ रुपीज 475। ही हैज ओनली रुपीज 399.50। तो हाउ मच मनी डज ही नीड मोर टू बाय द बुक। तो देखिए सॉल्यूशन, द टोटल मनी डज ही नीड मोर टू बाय द बुक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रुपीज 475 में से माइनस करेंगे रुपीज 399.50। तो देखिए पहले हम लोग लाइक डेसिमल में कर देंगे तो 475.00 और माइनस करेंगे 399.50। तो जीरो में से जीरो जाएगा तो जीरो, अब देखिए जीरो में से फाइव नहीं जाएगा तो कैरी जाएगा तो टेन हो जाएगा, टेन में से फाइव जाएगा तो फाइव हो जाएगा, और देखिए ये कैरी दे दिया तो फोर हो गया, तो फोर में से नाइन हो जाएगा तो कैरी दे जाएगा तो कितना हो जाएगा, फोर्टीन हो जाएगा, तो फोर्टीन में से नाइन जाएगा तो फाइव हो जाएगा, ये बचा सिक्स, सिक्स में से नाइन नहीं जाएगा तो कैरी जाएगा तो सिक्सटीन हो जाएगा, सिक्सटीन में से नाइन जाएगा तो सेवन हो जाएगा, और देखिए ये बचा थ्री, थ्री में से थ्री जाएगा तो हम लोग जीरो भी लिख सकते हैं या काट सकते हैं, तो हम लोग का क्या हो जाएगा 75.50 हो जाएगा। तो देखिए रुपीज 75.50 और पैसा उसके पास हो जाए तो वो बुक को खरीद सकता है। चलिए अब हॉर्स देखते हैं। हॉर्स का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, राइट द फ्लोइंग डेसिमल फ्रैक्शन इन एक्सपेंडेड फॉर्म 0.31, 0.024, 0.135। तो देखिए सॉल्यूशन, 0.31 को हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो देखिए 3 tens प्लस 100s लिख देंगे। 0.024 को हम लोग लिखेंगे तो इज इक्वल टू 200s प्लस 4000s। उसके बाद 0.135 को लिखेंगे तो 1 tens हो जाएगा प्लस 300s हो जाएगा और प्लस 5000s हो जाएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। फॉर द फ्रैक्शन 2/5 राइट 1 प्लेस डेसिमल, 2 प्लेस डेसिमल एंड 3 प्लेस डेसिमल। तो सॉल्यूशन 2/5, तो हम लोग क्या करेंगे कि 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 के टेबल में 2 नहीं आता तो डेसिमल लेंगे तो एक जीरो आ जाएगा तो 5 हो जा 20, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए 2/5 का 1 प्लेस डेसिमल क्या हो जाएगा तो 0.4 हो जाएगा 1 प्लेस डेसिमल, और 2 प्लेस डेसिमल क्या हो जाएगा तो 0.40 हो जाएगा, और 3 प्लेस डेसिमल क्या हो जाएगा तो 0.400 जो है 3 प्लेस डेसिमल है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डेसिमल के बाद 0 का वैल्यू कुछ नहीं होता है, क्योंकि उसका वैल्यू कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। हम लोग कितना भी 0 लगाएंगे तो वैल्यू सेम ही रहता है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स स्क्वायर। तो देखिए स्क्वायर वाले में क्या होता है कि ईच रो, ईच कॉलम और ईच डायगोनल का वैल्यू जो होता है सेम होता है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला वैल्यू पूरा दिया है तो हमने क्या किया है कि सम कर लिए हैं, तो 6 देखिए 6.0 प्लस 4.4 प्लस 2.4 प्लस 4.0 इज इक्वल टू क्या होगा 16.8। तो ईच रो का अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 16.8 आएगा, ईच रो ईच कॉलम ठीक है और ईच डायगोनल अगर हम लोग ऐड करते हैं तो वो 16.8 आएगा। तो देखिए जहाँ जहाँ पे खाली स्थान दिया है वहाँ पे हमने वैल्यू भर दिए हैं। आप लोग चाहिएगा तो ईच रो ईच कॉलम और ईच डायगोनल को ऐड कीजिएगा तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा 16.8। तो देखिए 3.2 प्लस अगर हम लोग करेंगे 6.0 प्लस 5.6 और 2.0 तो क्या आएगा 16.8 देख लीजिए। तो देखिए 2 और 0 का ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा और 6 8 में 0 ऐड करेंगे तो 8 ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए 3 और 6 कितना हो गया 9
और 9 और 5 14, 14 और 2 16, तो 16 डेसिमल एक ऐसे भी हम लोग ऐड किए, तो अगर डायगोनल भी ऐड करेंगे तो आप लोग का क्या आएगा 16.8 ही आएगा। तो देखिए 4 प्लस 8 तो कितना हो जाएगा 12 प्लस 4 16 प्लस 2 तो 18 का 8 कैरी 1। अब देखिए 6 और 2 कितना हो गया 8, 8 और 4 12 और 3 15, 15 और 1 कैरी था तो 16.8 ही आएगा। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। राइट द डेसिमल एंड द फ्रैक्शन सो बाय ईच स्क्वायर। तो देखिए फिगर 1, एक फिगर दिया हुआ है जिसको 3 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया है, 3 पार्ट्स को कलर किया गया है। तो देखिए सॉल्यूशन 1 नंबर का 0.3 लिखेंगे इज इक्वल टू 3/10 लिखेंगे। सेकेंड नंबर फिगर को देखिए कि एक फिगर को 10 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया है जिसका 8 पार्ट्स को कलर किया गया है। तो देखिए सेकेंड नंबर का आंसर हो जाएगा 0.8 इज इक्वल टू 8/10। थर्ड नंबर को देखिए एक फिगर को 10 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया है जिसके 2 पार्ट्स को कलर किया गया है, तो 0.2 इज इक्वल टू 2/10 हो जाएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ए 8 मीटर 57 सेंटीमीटर पोल वाज पुट इन ए पॉन्ड टू मेजर इट्स डेप्थ इफ 3 मीटर 98 सेंटीमीटर पोल रिमेंट आउटसाइड द वाटर व्हाट इज डेप्थ ऑफ द पॉन्ड। तो देखिए सॉल्यूशन द टोटल डेप्थ ऑफ द पॉन्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 मीटर 57 सेंटीमीटर में से 3 मीटर 98 सेंटीमीटर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए 7 में से 8 नहीं जाएगा तो कैरी लगा, 17 में से 8 जाएगा तो 9 हो जाएगा, ये कैरी दे दिया तो 4 हो गया, 4 में से 9 नहीं जाएगा तो कैरी लगा तो 14 हो जाएगा, 14 में से 9 जाएगा तो 5 हो जाएगा, और ये कैरी दे दिया तो 7 हो गया, 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 मीटर 59 सेंटीमीटर हो गया इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 4.59 मीटर। चलिए अब हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मेक द स्केल ठीक है बैलेंस बाय फिलिंग इन द करेक्ट नंबर्स। तो देखिए फर्स्ट नंबर डेसिमल 3 दिया है और एम्प्टी बॉक्स दिया है डेसिमल 3 ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन डेसिमल 3 इज इक्वल टू हम लोग क्या कर सकते हैं, जो एम्प्टी बॉक्स है उसमें 0 रखेंगे प्लस 0.3 तो दोनों को ऐड करेंगे तो सेम वैल्यू आएगा तो वो बैलेंस रहेगा। सेकेंड नंबर फिगर को देखिए जी देखिए डेसिमल 2 दिया है और एम्प्टी बॉक्स दिया है, यहाँ पे देखिए डेसिमल 4 और डेसिमल 5 दिया है। तो देखिए डेसिमल 2 में प्लस अगर कर देते हैं डेसिमल 7 को तो क्या हो जाएगा डेसिमल 9 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए डेसिमल 4 प्लस डेसिमल 5 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा डेसिमल 9, तो दोनों का बैलेंस सेम रहेगा मतलब बैलेंस बना रहेगा ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। कंप्लीट द टेबल। तो देखिए फर्स्ट नंबर देखिए इनपुट और आउटपुट, यहाँ पे देखिए 2 है तो 2.5 मतलब 0.5 ऐसे सीधा जाने पे ऐड हो रहा है ठीक है, मतलब लेफ्ट से राइट साइड जाने पे 0.5 ऐड हो रहा है, लेकिन अगर हम लोग राइट से लेफ्ट आते हैं तो 0.5 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो देखिए 3.5 में हम लोग राइट साइड जाएंगे तो 0.5 ऐड हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो 6 में वैसे ही हम लोग करेंगे 6 में राइट वाला वैल्यू निकालना है तो 0.5 को ऐड कर देंगे तो 6.5 हो जाएगा। 8.5 में ठीक है राइट हम लोग को राइट वाला वैल्यू बदलाना है तो 0.5 ऐड कर देंगे तो 9 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 9.5 है तो लेफ्ट में आते हैं राइट से लेफ्ट तो 0.5 सब्ट्रैक्ट होता है, तो 9.5 में से 0.5 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। और देखिए 13 को हम लोग को 13 से जैसे कि आउटपुट दिया है तो इनपुट में आना है तो 0.5 सब्ट्रैक्ट होगा, अगर इनपुट से आउटपुट में जाना है तो 0.5 ऐड होगा, तो
तो देखिए आउटपुट दिया है 13, तो हम लोग को इनपुट निकालना है, तो 0.5 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हम लोग का वैल्यू निकल जाएगा, तो 12.5 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकेंड नंबर को भी देख लीजिए, इनपुट और आउटपुट दिया है, तो देखिए 1 हो गया, 1 से हम लोग इनपुट से आउटपुट पे जा रहे हैं, तो देखिए प्लस 0.75 हो रहा है। अगर आउटपुट से इनपुट आ रहे हैं मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे तो 0.75 सब्ट्रैक्ट होगा। तो देखिए 1 से देखिए हम लोग इनपुट से आउटपुट जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या हो जाएगा 1.75। तो देखिए 5.25 है तो उसमें हम लोग ऐड करेंगे 0.75 तो 6 हो जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे इनपुट दिया है 7.5 दिया है तो उसमें हम लोग 0.75 ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा 8.25, क्योंकि हम लोग को आउटपुट निकालना था। अब देखिए 10 दिया है, हम लोग को इनपुट निकालना है तो क्या करेंगे 0.75 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 10 में से 0.75 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9.25 आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।